नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाय युवराज। की वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी 67 कंबाइंड प्रीलिम्स से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा 24/9/2021 को एक अपडेट आया हुआ है, एडवर्टीजमेंट और इंस्ट्रक्शन ऑफ फिलिंग अप्लीकेशन 67 कंबाइंड बीपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो भी नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जैसे एडवर्टीजमेंट पे हम क्लिक करते हैं, एक पीडीएफ भी डाउनलोड हो गया, जो एडवर्टीजमेंट वाला पीडीएफ है उसको भी हमने डाउनलोड कर लिया। इसको हम कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इस पीडीएफ को अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने सेव कर लिया, अब इस पीडीएफ को खोल के हम देख लेते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया है, यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से दिखेगा ये पीडीएफ है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि सबसे पहले देखिएगा बिहार लोक सेवा आयोग है 67 प्रारंभिक है। तो यहाँ अप्लीकेशन फ़ी मैं बता देता हूँ कि 600 रुपये है, और आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आयु सीमा 38 साल है, अगर आप 38 साल से कम है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, 38 ईयर। तो ये बेसिक जानकारी हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुल मिला के लेवल 9 के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, मतलब ए ग्रेड लेवल 7 हो गया, उसके बाद लेवल 7 हो गया, ठीक है, लेवल 7 और लेवल 9 के लिए वैकेंसी निकला है, ठीक है। अब यहाँ टोटल वैकेंसी कितना आया है, टोटल वैकेंसी यहाँ 555 है, जिसमें 174 फीमेल का वैकेंसी है, और टोटल 16 पोस्ट के लिए यहाँ फॉर्म निकाला गया है बीपीएससी के माध्यम से। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 230 सीट है। और वही बात करें अगर ईडब्ल्यूएस के लिए हम बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस यहाँ पे सबसे लास्ट में आर्थिक रूप से कमजोर है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो ईडब्ल्यूएस का देखिएगा 52 सीट है, प्लस में 15 फीमेल का सीट है, ठीक है। तो 230 प्लस में 52, 272 सीट पे आप फाइट कर सकते हैं, और लास्ट ईयर से कम नहीं वैकेंसी है, लगभग ठीक ठाक वैकेंसी है, इतने वैकेंसी में आप फाइट है कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा खासा वैकेंसी निकाला गया है इस बार बीपीएससी के द्वारा फिर से, तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है। 555 वैकेंसी में से फीमेल के लिए 174 है, तो फीमेल कैटेगरी को अलग से प्रेफरेंस यहाँ दिया जाएगा। और बाकी कैटेगरी के लिए बारे में बात करें तो 81 वैकेंसी ओबीसी के लिए है और 30 वैकेंसी ओबीसी फीमेल के लिए है, ठीक है ना। ओबीसी मेल फीमेल अलग अलग वैकेंसी निकाला गया, तो फीमेल को यहाँ आरक्षण दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। अनुसूचित जाति हो गया, एससी हो गया, और यहाँ देखिएगा पिछड़े वर्ग की महिला, और पिछड़ा पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का अगर हम बात करें यहाँ पे एससी जिसको बोलेंगे हम, तो एससी का वैकेंसी आप देख सकते हैं कि 5, 90, 81 और 16, ठीक है, महिलाओं के लिए है। और यहाँ 33 देख लीजिएगा वैकेंसी है, पूरा वैकेंसी मैंने बता दिया 174। आगे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, नॉलेज बज के नाम से टेलीग्राम चैनल है। अब यहाँ देखिए फी आपको ऑनलाइन देना है, और वैकेंसी क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, मतलब प्रीलिम्स के एग्जाम के पहले वैकेंसी आपका या तो बढ़ाया जा सकता है या फिर घटाया जा सकता है, दोनों हो सकता है, जब तक प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं होता तब तक, यही चीज लिखा हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्लियर होना चाहिए, मतलब पास होना चाहिए, क्या ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप बिहार के निवासी है तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, और अगर आप किसी अदर राज्य के निवासी है तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, तो आपको बिहार का निवासी होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा शेड्यूल कास्ट के लिए जो यहाँ देखिएगा आरक्षण कोटी के, मतलब ये एक कोटी का कोड दिया है, हर एक कैटेगरी का कोड यहाँ दिया हुआ है कि किस कैटेगरी का क्या कोड है, ठीक है। देखिएगा आगे देखें अगर हम बात करें तो मैंने एप्लीकेशन फी आपको बता दिया, 30 तारीख से इसका रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, और जो भी सर्टिफिकेट इसमें लगेगा ज्वाइनिंग के समय वो बिल्कुल नया सर्टिफिकेट होगा, अप टू डेटेड आपको चाहिए होगा तो अप टू डेटेड करवा लीजिएगा, मतलब इसी साल का होना चाहिए या फिर वर्ष 2022 का होना चाहिए, ठीक है। उम्र सीमा के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि न्यूनतम उम्र 20 वर्ष, 21 वर्ष या 22 वर्ष एवं अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, 37 ईयर होना चाहिए, और न्यूनतम कितना मैंने बताया 20, 21, 22 वर्ष, ठीक है। और इसी तरह आपको ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी एसटी में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और पीडब्ल्यूडी को 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ दिया जाएगा, ठीक है। तो 20 साल के भी आप हैं तो अभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट के हिसाब से, जैसे किसी पोस्ट के लिए लेवल 7 के लिए होगा 20 साल, लेवल 9 के लिए होगा 21 साल, 22 साल, ऐसे कुछ होगा, पोस्ट के हिसाब से ये न्यूनतम एज है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं यहाँ उम्मीदवार को मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र ही माना जाएगा, मतलब जो भी नाम है, जो भी फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, सब मैट्रिकुलेशन के हिसाब से ही आपका देखा जाएगा, ठीक है। जब इसके विपरीत कोई भी सबूत ना हो,
ठीक है, तो 10 का सर्टिफिकेट जो होगा ये वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, शारीरिक क्षमता में क्या होना चाहिए कि न्यूनतम ऊंचाई पुरुष का कितना होना चाहिए, 5 फीट 5 इंच होना चाहिए, सभी पोस्ट के लिए नहीं होना चाहिए। छाती आपका 32 होना चाहिए, परंतु अनुसूचित जनजाति के लिए 5 फीट 3 होना चाहिए और 31 इंच छाती होना चाहिए। महिलाओं के लिए न्यूनतम 5 फीट 2 इंच होना चाहिए। फी कितना लगेगा मैंने बता दिया था, 600 रुपये लगेगा जनरल कैटेगरी, और बिहार के SC ST कैटेगरी को 150 रुपये देना होगा, और बिहार के अस्थाई महिला उम्मीदवारों को केवल 150 रुपये देना होगा। अगर आप फीमेल है, अनरिजर्व है या रिजर्व है, तो फीमेल के लिए अलग से आरक्षण दिया गया है। दिव्यांग कैटेगरी 150 रुपये, और अन्य सभी जो जनरल मेल हो गए उनको 600 रुपये अप्लीकेशन फ़ी देना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन आपको देना होगा, ऑनलाइन माध्यम से इस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा मौका है। प्रारंभिक परीक्षा 150 से अंक होंगे यहाँ पे कुल, और इसमें मैथ्स, रीजनिंग, GK GS सभी कुछ को शामिल किया जाएगा, और बिहार राज्य के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, आप इन्हें देख सकते हैं। न्यूनतम यहाँ पे बोला गया है कि पीछे जो सामान्य कैटेगरी है वो 40% अंक होना चाहिए, 36% है, 34% है, और यहाँ 32% का अंक होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा अपडेट आ रहा है आप लोग के लिए। आगे देखिएगा, मुख्य लिखित परीक्षा जो होगा वो आपका 300 अंक के होंगे, जो प्रत्येक पेपर 300 अंक के होंगे। ठीक है, सामान्य हिंदी 100 अंक का होगा। यहाँ देखिएगा, मुख्य परीक्षा में 3 विषय होंगे, जिनमें 2 अनिवार्य विषय होंगे, मतलब कंपलसरी होगा। 100 नंबर का हिंदी होगा, इस विषय में 30% प्राप्त करना, मतलब क्वालिफाइंग नेचर होगा। ठीक है, इसको मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा हिंदी को। उसके बाद अगर हम बात करें, पेपर 1 पेपर 2 यहाँ पे लिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक 300 के नंबर के होंगे एग्जाम। ठीक है, 300 नंबर के एग्जाम होंगे। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को वैकल्पिक सब्जेक्ट यहाँ दिया जाएगा, मतलब टोटल 900 नंबर का एग्जाम यहाँ लिया जाएगा। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ बताया गया मेंस के बारे में, सामान्य हिंदी हो गया, सामान्य अध्ययन पेपर 2 हो गया, सामान्य अध्ययन द्वितीय पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ टोटल 900 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है, एग्रीकल्चर है, ये देख लीजिएगा सब्जेक्ट, या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, या PDF है टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा आप। और यहाँ पे सभी सब्जेक्ट है, ये 34 सब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चुनना है वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है ना, तो टोटल 900 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन फॉर्म भरते समय मुख्य परीक्षा के लिए अपने इच्छा अनुसार आप कोई भी सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। एक बार वैकल्पिक विषय चयन कर, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को कुछ मिक्स मुख्य परीक्षा में अलग से ऑनलाइन आवेदन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये आप लोग पता है, 15 गुना या 20 गुना बच्चों को यहाँ क्वालिफाई करवाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर करके लिखा नहीं है कि कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, जो सफल होंगे उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे और कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे यहाँ पे और कुछ यहाँ दोस्तों दिया नहीं है। 40% आपको लेके आना अंक, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मिनिमम क्वालिफाई 40% पे ही होगा। मुख्य परीक्षा आधारभूत उम्मीदवारों के लिए व्यक्तिगत परीक्षण 120 अंक का होगा, मतलब जो इंटरव्यू होगा भाग 3 में, जिस जो तीसरा स्टेट होगा स्टेज होगा, वो इंटरव्यू का लिया जाएगा, और इसमें अनिवार्य लेना भाग है, नहीं तो उनको क्या किया जाएगा, मेघा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य परीक्षण मतलब मेडिकल टेस्ट के बारे में भी बताया गया है कि बोर्ड अनिवार्य है, मेडिकल टेस्ट भी अनिवार्य है, और उपयुक्त जांच के समय नगद 16 रुपये जमा अनिवार्य करना होगा। 16 रुपये आपको जमा करना होगा, रसीद कटवाना होगा, और उसके बाद जांच किया जाएगा, और अगर कोई भी कमी नहीं पाया जाता तो आपको चुन लिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, मुख्य परीक्षा 900 अंकों का होगा, जो मेंस होगा 900 अंकों का होगा, और इंटरव्यू होगा 1020 है, और आपको 1020 में से कितना लेके आना है, 1020 है, मतलब 120 नंबर का इंटरव्यू होगा। ठीक है, कट ऑफ के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, किसी और वीडियो में बात करेंगे, और यहाँ पे कुछ और दिया नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिल करने का है 30/9/2021 से, और 5/11/2021 तक आप फिल कर सकते हैं। लगभग आपको 1 महीने से ज़्यादा 50 दिन का समय दे दिया गया, 40 से 41 दिन का समय दे दिया गया आपको फॉर्म फिल करने के लिए, तो बहुत समय आपके पास दोस्तों, फिर भी आप पहले फिल कर दीजिएगा, नहीं तो सेंटर आपको बहुत दूर दे दिया जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले ही फिल कर दीजिएगा। ठीक है, और जो एडिट करने का टाइम दिया जाएगा 15/11/2021 तक आपको एडिट करने का भी टाइम दिया जाएगा, मतलब आप 50 दिन से ज़्यादा इस फॉर्म में को फिल करवाया जाएगा बच्चों से, तो टाइम आपको बहुत ज़्यादा आपको दिया जाएगा यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए, तो जल्दी फिर भी फिल कीजिएगा, टाइम नहीं लगाइएगा, नहीं तो सेंटर में बाद में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे और कुछ दिया नहीं है, और ईमेल आईडी ये सब होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, यही सब बताया गया आपको। और मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, मोबाइल नंबर है जब तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं होता है मोबाइल नंबर आपको रखना है, और यही कुछ नोटिफिकेशन में था। तो एक बहुत ही बेहतर मौका आ रहा है आपके पास है, अगर आप सिविल सर्विसेज या फिर पीसीएस में अधिकारी बनना चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो वीडियो अच्छा है, कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।